एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों की कोई कदर नहीं है, मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं, वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर वही तो आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझे से सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है, इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोल सकें या उससे दूर जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है, आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने दें क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें, लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान रख लेना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान की सोचता है, वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता, वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बना के रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। वह जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को खुद के अंदर भी महसूस कर पाता है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तीसरी बात, इस चीज़ का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे भी आप सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं भी देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की वजह से खुद के व्यवहार को गलत नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारे अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर ला के खड़ा कर सकता है जैसे मौकों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले खुद लोगों को इज्जत दो, फिर लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथा, किसी से बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय
ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए, तो आप बहुत कुछ नया तो सीखते ही हैं, साथ ही उस इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज़्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पांचवी बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को ये लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौक़ों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठा, ज़्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। ये बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नज़रिया और सोच हो। इसलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहता है। क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे गंभीरता से लेते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सातवां और अंतिम, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हमें ऐसे मौक़ों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर खुद को शांत रख पाते हैं, तो लोगों की नज़रों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, और एक गंभीर और सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षुक का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।